गुड मॉर्निंग, दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले क्लास सिक्स के चैप्टर फोर्थ, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। लास्ट वीडियो में हमने बात की इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। इस वीडियो में कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिनको हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, इन सबको स्क्रीन शॉट लेकर के आपको फेयर नोटबुक में नोट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं, क्या होते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स? तो हमने जब चैप्टर को रीड किया था उस समय हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स नेचुरल और इसके अलावा आर्टिफिशियल, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम यहाँ हमको बात करनी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की। क्या आंसर होगा इसका? द ऑब्जेक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, वे ऑब्जेक्ट जिनको हम डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन करते हैं आर कॉल्ड नेचुरल ऑब्जेक्ट, उनको हम नेचुरल ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेम द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड। हमको वो क्राइटेरिया बताना है जिसके बेस पर ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं हम। उन वो क्राइटेरिया की हमको बात करनी है यहाँ पे, यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं ऐसी जिनके बेस पे हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, आंसर, ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करने के लिए उसमें क्या देखिए, देखते हैं प्रॉपर्टी उसकी, जैसे हार्डनेस है, हार्डनेस के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट को हार्ड और सॉफ्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैग्नेट और नॉन मैग्नेट की जो सब्सटेंस है उनमें डिवाइड कर सकते हैं। सोल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग सोल्यूबल और इनसोल्यूबल ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम उसको फ्लोटिंग मटेरियल्स और सिंक जो मटेरियल्स हैं उनमें डिवाइड कर सकते हैं कि कौन से सिंक होंगे वाटर में और कौन से फ्लोटिंग करेंगे, इनमें हम डिवाइड कर सकते हैं। ये थे कुछ क्राइटेरिया जिनके बेस पे ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी शॉर्ट लेकर नोट करते रहना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? इसका आंसर देखिए क्या होगा, दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी एनी थिंग क्लियरली, यानी वे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम, ये जिनके आर पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकें। हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी में बात की थी, तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। उनमें से ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं, तो ट्रांसपेरेंट क्या है, वे ऑब्जेक्ट जिनके आर पर हम देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं, उनको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी दो सब्सटेंसेज थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली या वी कैन सी एनीथिंग क्लियरली, उनको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें इनमें, एग्जाम्पल क्या होंगे, ग्लास है, एयर है, ग्लास मतलब जो कांच है उसमें आर पार देख सकते हैं हम, एयर है, ठीक है, तो एयर में भी हम देख सकते हैं, एयर के अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो ये भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है एयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर, हाउ इट इज डिसाइडेड दैट विच मटेरियल शुड बी यूज्ड टू मेक ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी हम कैसे डिसाइड करेंगे, यह कैसे डिसाइड किया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो बनाना है हमको किस मटेरियल से बनाना है, कैसे डिसाइड करें इसकी? तो इसके लिए क्या करते हैं, उनकी ग्रुपिंग की जाती है पहले, क्या करते हैं, मटेरियल्स शुड बी यूज्ड टू मेक ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टी। हम कोई भी मटेरियल तैयार करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे उनके तैयार किया जाता है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करके नोट करते रहना। जैसे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उनकी, ट्रांसपेरेंसी है, सॉल्युबिलिटी है, हार्डनेस है और डेंसिटी है, इनके बेस पे हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई वाटर इज कॉल्ड ए गुड सॉल्वेंट। वाटर को गुड सॉल्वेंट क्यों कहते हैं हम? सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर हम किसी चीज़ को घोल सकें, डिजॉल्व कर सकें, उसको कहते हैं सॉल्वेंट।
द सब्सटेंस इन विच एनी थिंग कैन बी डिजॉल्व्ड या कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड, उनको बोलते हैं सॉल्वेंट। आंसर की क्या, आंसर की बात करें तो क्या होगा इसका आंसर, बिकॉज वाटर इज कैपेबल टू डिजॉल्विंग ए डिफरेंट वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेज, क्योंकि वाटर के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है उसकी कि वो बहुत सारी वेराइटी जो है सब्सटेंस की, अलग अलग वेराइटी जो है उनको डिजॉल्व अपने अंदर कर सकता है, अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। इस कारण हम वाटर को क्या बोलते हैं, गुड सॉल्वेंट बोलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे इसके, इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तब तक के लिए इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए।